जब आप ट्रेडिंग की दुनिया में आते हैं मेरे दोस्त, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप जो है स्टॉक में भी ट्रेड कर सकते हो, आप जो है क्रिप्टो में भी ट्रेड कर सकते हो, आप फॉरेक्स में भी ट्रेड कर सकते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है मेरे दोस्त कि आखिर फॉरेक्स में ही क्यों ट्रेड करना चाहिए, क्या बेनिफिट है? तो यहाँ पे मैं सारे मार्केट को मद्देनजर रखते हुए मैं पॉइंट वाइज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्या फायदा है फॉरेक्स में ट्रेडिंग करने का। सबसे पहला पॉइंट पर हम लोग चलते हैं मेरे दोस्त। सबसे जो पहला पॉइंट है मेरे दोस्त ना, फॉरेक्स जो होता है 2400 घंटा के लिए ओपन होता है। मतलब जो है आप सुबह उठो तब भी मार्केट ओपन है, शाम को देखो तब भी मार्केट ओपन है, दोपहर में देखो तब भी मार्केट ओपन है, रात में देखो तब भी मार्केट ओपन है। कहने का मतलब मेरे दोस्त कि कभी भी किसी वक्त आप इसमें ट्रेड कर सकते हो मेरे दोस्त, क्योंकि ये जो है 2400 घंटे के लिए ओपन रहता है मेरे दोस्त, दिन रात, ठीक है, 2400 घंटा यहां पे मार्केट ओपन रहता है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है मेरे दोस्त। कहने का मतलब ये है कि लोग जो है कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, ठीक है, कोई किसी धंधे में व्यस्त है मेरे दोस्त, तो वो भी जो है जैसे ही टाइम मिलता है, जब भी टाइम मिलता है मेरे दोस्त, तो वो जो है फॉरेक्स में ट्रेड कर सकता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स मेरे दोस्त, ठीक है। ये मार्केट सैटरडे और संडे को क्लोज रहता है, अपार्ट फ्रॉम सैटरडे एंड संडे मार्केट जो है 2400 घंटे के लिए ओपन रहता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे दोस्त, ठीक है। खास करके यहाँ पे जो है वैसे लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, जो लोग नौकरी करते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं, जो लोग कोई जो है जॉब वगैरह में व्यस्त रहते हैं मेरे दोस्त, तो वैसे लोगों के लिए ना फॉरेक्स बहुत ही कारगर है, बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि उनको जो है दिन में टाइम नहीं मिल पाता है, वो नौकरी में व्यस्त रहते हैं, हो सकता है किसी का नाइट ड्यूटी होता है मेरे दोस्त, नाइट में व्यस्त रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त कि इस मार्केट में यानी कि फॉरेक्स में मेरे दोस्त कभी भी ट्रेड आप कर पाओगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। ये जो है खास करके वैसे लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है, जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं, जो लोग किसी धंधे में व्यस्त होते हैं मेरे दोस्त, तो उनको टाइम नहीं मिल पाता, राइट। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं मेरे दोस्त, ये है लेवरेज। लेवरेज काफ़ी कमाल की चीज़ है मेरे दोस्त, ठीक है। लेवरेज आपको अपने कैपिटल को मल्टीप्लाई करने की फैसिलिटी देता है। मान लेते हैं कि आपके पास $100 है, तो आप उसको जो है $1000 तक भी ट्रेड कर पाओगे मेरे दोस्त, ठीक है। उसको जो है $10000 बना करके भी ट्रेड कर पाओगे मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये फैसिलिटी देता है आपको लेवरेज। मतलब समझो कि एक जो है उधार देता है मेरे दोस्त, ठीक है। लेवरेज जो है ब्रोकर आपको उधार देता है और उस पैसे से आप जो है बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो मेरे दोस्त। लेकिन ये जो होता है दूधारी तलवार होता है, मतलब एक साइड से प्रॉफिट जितना देता है उतना ही दूसरे साइड से आपको लॉस भी दे सकता है मेरे दोस्त, ठीक है। तो वो आपको फैसिलिटी फॉरेक्स देता है कि कम अमाउंट से भी आप जो है ट्रेड कर पाओगे यहाँ पे, ठीक है, बड़े फंड से, ठीक है। कहने का मतलब आपके पास $100 है तो आप उसको जो है $500 से भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, उसको आप $5000 से भी ट्रेड कर सकते हो। ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है मेरे दोस्त लेवरेज, ठीक है। लेवरेज का मतलब अपने कैपिटल को मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, 100x से, 200x से, 300x से, 400x से, ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो मेरे दोस्त, ठीक है। मतलब अपने कैपिटल को बढ़ा सकते हो, ठीक है। और जब आपके पास कैपिटल बड़ा रहेगा मेरे दोस्त, तो आपकी जो है प्रॉफिट भी बड़ा होगा। लेकिन ध्यान रखना मेरे दोस्त, जिस तरीके से प्रॉफिट बड़ा होगा उस तरीके से अगर आपके अगेंस्ट मार्केट जाता तो वहां पे लॉसेस भी बड़े होते हैं, तो याद रखना इस पॉइंट को, ठीक है। लेवरेज मतलब सिंपल से समझो कि अगर आपके पास जो है ₹1000 है, ठीक है, INR में अगर बात करें तो अगर आपके पास ₹1000 है तो इसको 10000 भी बना सकते हो, ठीक है, 50000 भी बना सकते हो। मतलब आपको अपने कैपिटल को मल्टीप्लाई करने की फैसिलिटी देता है लेवरेज, राइट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को चलते हैं मेरे दोस्त, वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी थोड़ा सुनने में उठपटांग सा लग रहा है मेरे दोस्त, लेकिन इसको मैं सिंपल से शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। वोलेटिलिटी मतलब ऐसे समझो इसको आप कि हलचल, ठीक है। मार्केट में आपने देखा होगा कि हलचल होते रहता है, मतलब बहुत कभी ऊपर चला जाता है, कभी नीचे चला जाता है, कभी बहुत ऊपर चला गया, कभी धड़ाम से नीचे गिर जाता है, तो इसी को वोलेटिलिटी बोलते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। जैसे आपने समुद्र में देखा होगा कि कभी जो है बहुत सारे, ठीक है, वेव आते हैं, ठीक है, तरंगे आते हैं, ऊपर नीचे ऐसा करता, तो उसी तरीके से मार्केट में भी वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होता है। मतलब यहां पे जो है हलचल बहुत ज्यादा होता है, सिंपल से समझो कि हलचल, ठीक है। आपने देखा होगा कि कोई जो है आपने करेंसी पेयर का जो है मार्केट अगर आपने ओपन किया होगा, या फिर जो है कोई कमोडिटी का मार्केट ओपन किया होगा, फॉर एग्जांपल गोल्ड ले लेते हैं, या फिर सिल्वर ले लेते हैं, या फिर यूरो यूएसडी ले लेते हैं, यूएसडी जेपीवाई ले लेते हैं, जीबीपीएसडी कोई भी ले लो आप स्क्रिप्ट, ठीक है, आपने उसको देखा होगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत उतार चढ़ाव होता है मेरे दोस्तों, इसी को बोलते हैं वोलेटिलिटी। ये थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है वोलेटिलिटी, और एक सिमिलर ही ऐसा वर्ड है जो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को समझेंगे, ठीक है, लिक्विडिटी, ठीक है। वोलेटिलिटी और लिक्विडिटी दोनों अलग अलग चीजें मेरे दोस्त, याद रखना, ठीक है। वोलेटिलिटी मतलब हलचल, उतार चढ़ाव, ठीक है, और लिक्विडिटी, ठीक है। नेक्स्ट जो है चौथा पॉइंट हम लोग बात करेंगे मेरे दोस्त, लिक्विडिटी, इसको समझेंगे, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा लिक्विडिटी वोलेटिलिटी, तो ये दोनों अलग अलग टर्म है मेरे दोस्त। ऐसा नहीं कि वोलेटिलिटी और लिक्विडिटी दोनों सेम ही है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लिक्विडिटी एक अलग चीज़ होता है, वोलेटिलिटी एक अलग चीज़ होता है। लिक्विडिटी मतलब समझो मेरे दोस्त कि आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा लिक्विडिटी यहाँ पे नहीं है, लिक्विडिटी बहुत कम है, तो लिक्विडिटी का मतलब ये समझो मेरे दोस्त कि वहाँ पे ना बायर और सेलर की कमियाँ हैं, ठीक है। मतलब लिक्विडिटी मतलब समझो कि
लिक्विडिटी अगर कम है मतलब वहाँ पे बायर सेलर कम है, लिक्विडिटी हाई है मतलब वहाँ पे बायर और सेलर बहुत ज़बरदस्त है मेरे दोस्त, मतलब बहुत ज़्यादा है। तो लिक्विडिटी मतलब समझो कि बायर और सेलर, ठीक है। जैसे आपने अगर कोई बोल रहा है कि जो है यहाँ पे लिक्विडिटी कम है, मतलब वहाँ पे बायर और सेलर प्रेजेंट नहीं है, मतलब देखो सिंपल से समझो ना कि जितने ज़्यादा बायर रहेंगे जितने ज़्यादा सेलर रहेंगे तो ऑर्डर उतने ही फटाफट लगेंगे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये देखो मार्केट में क्या होता है, बाई सेल बाई सेल बाई सेल यही चलता ना, ठीक है। तो जितने ज़्यादा बायर रहेंगे जितना ज़्यादा सेलर रहेंगे तो मार्केट उतना ही अच्छा रहेगा मेरे दोस्त, ठीक है। और क्या होता है कि कम बायर और कम सेलर होता है मेरे दोस्त, तो वैसे सिचुएशन में क्या होता है कि आपके ऑर्डर ट्रिगर ही नहीं होते हैं, ठीक है। अपर सर्किट कभी लग जाता है कभी लोअर सर्किट लग जाता है। अभी आपने जो है कभी आपने देखा होगा इंडियन मार्केट में, ठीक है, कोई कोई स्टॉक ऐसा होता है कि मतलब अपर सर्किट लगा हुआ है, कोई कोई जो है स्टॉक ऐसा होता है कि लोअर सर्किट लगा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर लिक्विडिटी नहीं होता। लिक्विडिटी मतलब बायर और सेलर नहीं होते हैं, जब बायर और सेलर होते हैं मेरे दोस्त तो वहाँ पर सर्किट नहीं लगता है, राइट। तो लिक्विडिटी भी यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त होता है। फॉरेक्स समझो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है मेरे दोस्त, ठीक है। अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग में देखा जाए मेरे दोस्त, तो पर डे के पर डे जो है मैं बात कर रहा हूँ 2019 की, 2019 में ये जो है डेटा पर डे का टर्नओवर मेरे दोस्त, ठीक है, $5 ट्रिलियन के आसपास होता था, कितने $5 ट्रिलियन के आसपास। और ये जो है 2024 में ये डेटा, ठीक है, उछाल मार करके मेरे दोस्त, ठीक है, 6 से 7 ट्रिलियन को टच कर चुका है मेरे दोस्त। पर डे के पर डे 6 से 7 ट्रिलियन की टर्नओवर होता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है मेरे दोस्त, बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की चलते हैं मेरे दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे दोस्त ने कि जो भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ मेरे दोस्त काफ़ी ज़बरदस्त है मेरे दोस्त, काफ़ी ज़बरदस्त है। और पॉइंट नंबर 5 मेरे दोस्त इतना कमाल की पॉइंट है मेरे दोस्त, को आप समझने की कोशिश करिएगा। मान लेते हैं कि आप पेशे से डॉक्टर हैं मेरे दोस्त, और आप इंडिया में जॉब करते हैं, इंडिया में डॉक्टरी करते हैं मेरे दोस्त, तो हो सकता है आपकी सैलरी पर मंथ की ₹1,00,000 हो। और वही काम अगर आप अमेरिका में करते हैं मेरे दोस्त, तो हो सकता है आपकी सैलरी ₹5,00,000 महीने की हो मेरे दोस्त। और वही काम अगर आप जो है यूके में करते हैं मेरे दोस्त, तो हो सकता है आपकी सैलरी जो है ₹4,00,000 हो। और वही काम आप रसिया में करते हैं मेरे दोस्त, तो हो सकता है आपकी सैलरी मेरे दोस्त ₹8,00,000 हो। कहने का मतलब आपका जो है काम, आपका जो है प्रोफेशन, आपका जो है पेशा मेरे दोस्त एक है, लेकिन जैसे जैसे आप कंट्री बदल रहे हैं मेरे दोस्त, वैसे वैसे आपकी सैलरी बदल रही है। लेकिन फॉरेस्ट ट्रेडर की सबसे कमाल की बात यह है मेरे दोस्त कि चाहे वो किसी भी कंट्री से हो, किसी भी मुल्क से हो मेरे दोस्त, वो बराबर पैसे कमाता है। जैसे मान लेते हैं कि आप इंडिया से हो, चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे बांग्लादेश से हो, चाहे अमेरिका से हो, चाहे जो है यूके से हो, चाहे जापान से हो, चाहे रसिया से हो, किसी भी कंट्री से हो मेरे दोस्त, अगर आपने 1 लॉट से ट्रेड उठाया मेरे दोस्त, और मान लेते हैं कि गोल्ड में आपने 1 लॉट से ट्रेड उठाया मेरे दोस्त, अगर जो है आपकी जो है 1 पॉइंट के मोमेंट पे आपको जितना प्रॉफिट हो रहा है मेरे दोस्त, उतना ही प्रॉफिट अमेरिका के बंदा का भी होगा, उतना ही प्रॉफिट यूके के बंदे का भी होगा, उतना ही प्रॉफिट जो है जापान के बंदे को भी होगा मेरे दोस्त। मतलब कहने का मतलब ये मेरे दोस्त कि किसी भी मुल्क से हो आप, आपके पास अपॉर्चुनिटी बराबर होती है मेरे दोस्त। जितने पैसे बाहर वाले मुल्क वाले लोग पैसे कमाते हैं मेरे दोस्त ट्रेडिंग से, उतना ही आप भी कमाओगे। कहने का मतलब जो है हर एक लोगों के लिए यहाँ पे बराबर बराबर अपॉर्चुनिटी है मेरे दोस्त। ये सबसे बड़ी चीज़ है मेरे दोस्त फॉरेक्स ट्रेडिंग की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे दोस्त। ये मेरा जो है सबसे फेवरेट पॉइंट है मेरे दोस्त कि कहीं से भी आप हो मेरे दोस्त, ठीक है, आप जितना मेहनत करते हो मेरे दोस्त, उतना ही पैसे आप भी कमाओगे। और आपकी इतना अगर मेहनत करता है मेरे दोस्त, चाहे वो अमेरिका में बैठा हो, चाहे पाकिस्तान में बैठा हो, चाहे इंडोनेशिया में बैठा हो, चाहे मलेशिया में बैठा हो मेरे दोस्त, वो भी उतना ही पैसे कमाएगा मेरे दोस्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे दोस्त, ये सबसे रिमार्केबल पॉइंट है मेरे दोस्त। बाकी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को चलते हैं मेरे दोस्त। और मेरे दोस्त अभी तक मैंने जो है 5 पॉइंट का चर्चा मैंने किया मेरे दोस्त, जिसमें से 5वां पॉइंट मेरा फेवरेट है मेरे दोस्त। हो सकता है आपका फेवरेट पहला पॉइंट हो सकता है आपका फेवरेट जो है दूसरा पॉइंट हो सकता है आपका फेवरेट तीसरा पॉइंट हो सकता है आपका फेवरेट चौथा पॉइंट हो। तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताएं मेरे दोस्त कि कौन सी फॉरेक्स वाली जो है क्वालिटी आपको अच्छा लगता है मेरे दोस्त, कौन सी फॉरेक्स की जो है मतलब फीचर आपको अच्छा लगता है वो जरूर मुझे बताएं मेरे दोस्त, ठीक है, ताकि हर एक लोगों को भी जानने का मौका मिले। और अगर हो सकता है तो आप रीजन भी दे सकते हैं मेरे दोस्त कि भाई आपको जो है अगर लिक्विडिटी पसंद है, आपको फॉरेक्स पसंद है, ठीक है, वोलेटिलिटी की वजह से, लेवरेज की वजह से, ठीक है, 24 घंटा ओपन रहता है इसकी वजह से, मतलब क्यों आप फॉरेक्स पसंद करते हैं, तो आप अपना जो है व्हाई, अपना रीजन आप डाल सकते हैं मेरे दोस्त। बाकी जो है नेक्स्ट पॉइंट है मेरे दोस्त, 6ठा पॉइंट है, इसको जो है कोई कंट्रोल नहीं कर सकता इस मार्केट को, नोबडी कैन कंट्रोल द मार्केट, फॉरेक्स मार्केट है मेरे दोस्त, ठीक है। कहने का मतलब ये जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है मेरे दोस्त, ठीक है, यहां पे किसी को मैनिपुलेट करना किसी की बस की बात नहीं मेरे दोस्त, ठीक है। यहां पे बहुत ज्यादा बायर और सेलर होते हैं मेरे दोस्त, ठीक है, यहां पे लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसको जो है कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता मेरे दोस्त, ठीक है। इसके लिए बहुत ज्यादा फंड चाहिए मेरे दोस्त, मतलब मैनिपुलेट ही नहीं किया जा सकता, सिंपल से समझो कि इसको मैनिपुलेट किया ही नहीं जा सकता है। स्टॉक मार्केट में आपने देखा होगा मेरे दोस्त, ठीक है, कोई स्टॉक है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन मान लेते हैं कि 1,000 करोड़ रुपए, कितने 1,000 करोड़ रुपए जो है किसी स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और मान लेते हैं कोई एक जो है धुरंधर एंट्री लेता है मेरे दोस्त, जिसके पास पैसे 800 करोड़ रुपए,
ठीक है, कितने 800 करोड़ रुपए भाई, मार्केट कैपिटलाइजेशन ही उस स्टॉक का 1000 करोड़ है। और एक बंदा आता है, एक धुरंधर, एक दिग्गज इंसान आता है भाई, एक जो है तीस मारखान आता है, जिसके पास जो है 800 करोड़ रुपए है, और उस स्टॉक को मैनिपुलेट करना चाहता है मेरे दोस्त, तो उसको इधर उधर हिला सकता है मेरे दोस्त, क्योंकि उसके पास जो है पैसे बहुत ज़्यादा है मेरे दोस्त। लेकिन जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग में भाई ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कोई अगर बंदा चाहे अगर कि भाई मैं फॉरेक्स मार्केट को इधर से उधर कर दूँ, पॉसिबल ही नहीं भाई, ठीक है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है मेरे दोस्त, ठीक है। बाकी नेक्स्ट पॉइंट को चलते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। लो ट्रांजेक्शन चार्जेस, लो ट्रांजेक्शन चार्जेस मतलब कहने का मतलब ये मेरे दोस्त कि यहाँ पर जब ट्रेडिंग करते हो तो जो ब्रोकरेज चार्जेस लगते हैं मेरे दोस्त बहुत ही कम लगते हैं एज कम्पेयर टू अनदर मार्केट, ठीक है। जैसे स्टॉक मार्केट में, ठीक है, स्टॉक मार्केट से अगर कंपेयर करोगे तो फॉरेक्स मार्केट में जो है ट्रांजेक्शन चार्जेस भी कम लगते हैं, राइट, ठीक है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट पॉइंट को चलते हैं मेरे दोस्त, ठीक है, पॉइंट नंबर 8, ठीक है। इट कैन बी ट्रेडेड फ्रॉम एनी वेयर, मतलब ये जो है कहीं से भी आप ट्रेड कर सकते हो, चाहे आप बांग्लादेश में बैठे हो, चाहे आप इंडिया में बैठे हो, चाहे आप पाकिस्तान में बैठे हो, चाहे आप अमेरिका में बैठे हो, चाहे आप जो है लंदन में बैठे हो, चाहे आप जो है रशिया में बैठे हो, चाहे जापान में बैठे हो, चाहे मलेशिया में बैठे हो, चाहे इंडोनेशिया में बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो मेरे दोस्त, ठीक है, इस मार्केट को आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, कहीं से भी ट्रेड कर सकते हो मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, और हर एक जगह से भाई उतना ही प्रॉफिट होगा, चाहे आप कहीं से भी ट्रेड करो। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम लोगों ने पॉइंट नंबर 5 में चर्चा किया था मेरे दोस्त। और आपने अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड किया होगा तो वहाँ पे टाइम डीके होता है, एक थीटा डीके होता है, ठीक है। मतलब मान लो कि आपने जो है कोई पोजीशन को ओपन किया मेरे दोस्त, और मार्केट साइडवेज में चला गया, तब भी आपकी जो है प्रीमियम गलता रहता है, प्रीमियम आपका कम होता रहता है, प्रीमियम आपकी घटती रहती है, लेकिन फॉरेक्स में ऐसा नहीं मेरे दोस्त, ठीक है। मान लेते हैं कि आपने कोई ट्रेड ओपन किया फॉरेक्स में, ठीक है, और वो जो है आपने पोजीशन को ओपन कर दिया, मार्केट साइडवेज में आप पोजीशन को ओपन ही रखें मेरे दोस्त, तब भी यहाँ पे लॉसेस नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ एक ही सिचुएशन में यहाँ पे लॉसेस होते हैं मेरे दोस्त फॉरेक्स में, जब मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है। लेकिन इंडियन मार्केट में मेरे दोस्त, ठीक है, अगर मार्केट साइडवेज हो तब भी आपके लॉसेस होते हैं मेरे दोस्त। सिर्फ और सिर्फ एक सिचुएशन में आपको प्रॉफिट होता है इंडियन मार्केट में मेरे दोस्त, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो, जब आपके मतलब आपके डायरेक्शन में मार्केट जाता है तभी आपको जो है प्रॉफिट होता है मेरे दोस्त। लेकिन फॉरेक्स में, ठीक है, सिर्फ एक डायरेक्शन में मतलब एक सिचुएशन में लॉस होता है, जब मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है, साइडवेज में रहेगा तो मेरे दोस्त आपको जो है लॉसेस नहीं होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे दोस्त, कि यहाँ पे जो है टाइम डीके नहीं है, थीटा डीके नहीं है। अब पॉइंट नंबर 10 मेरे दोस्त, ठीक है, पॉइंट नंबर 10 है मेरे दोस्त कि पोजीशन को कब कितने लंबे टाइम तक भी आप ओपन करके रख सकते हो, ठीक है। मतलब लाइक आप समझो कि स्पॉट ट्रेडिंग जैसे आप जो है यहाँ पे पोजीशन को ओपन करके रख सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये भी एक अपने आप में एक बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। जैसे मान लो कि आपने गोल्ड जो है एंट्री लिया आपने, ठीक है, गोल्ड एंट्री लिया भाई, वो जो है मार्केट एक महीने तक जो है आपके डायरेक्शन, मतलब मान लो कि आपने बाइक एंट्री लिया और मार्केट जो है एक महीने से ऊपर ही जा रहा, तो भाई आप एक एक महीने, दो दो महीने तक भी एक पोजीशन को ओपन करके रख सकते हो। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी पॉइंट है मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट मैंने, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो भी जो है जो महत्वपूर्ण पॉइंट था, वो मैंने आपके सामने शेयर करने की कोशिश की है, ठीक है। आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो गया मेरे दोस्त, ठीक है। पहला जो पॉइंट था मेरे दोस्त, ठीक है, वो 2400 घंटा पांचों दिन ओपन रहता है। दूसरा लेवरेज, लेवरेज मतलब जो है आपको जो है एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अपने कैपिटल को जो है बढ़ा करके आप ट्रेड कर सकते हो मेरे दोस्त, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपके पास 10,000 रुपये है तो 10,000 रुपये से ही आप ट्रेड कर पाओगे मेरे दोस्त, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 10,000 रुपये मेरे दोस्त, तो उससे आप लाख रुपये का भी, ठीक है, 5 लाख का भी आप ट्रेड कर सकते हो फॉरेक्स में मेरे दोस्त, ठीक है। इसको बोलते हैं लेवरेज। वोलेटिलिटी मतलब हलचल मेरे दोस्त, ठीक है, उतार चढ़ाव। लिक्विडिटी मतलब ज़्यादा बायर और ज़्यादा सेलर मेरे दोस्त, इसको लिक्विडिटी बोलते हैं। विल अर्न डॉलर, हाँ हाँ, जो है फॉरेक्स में आप जो है कहीं से भी आप काम करोगे मेरे दोस्त, ठीक है, आपको डॉलर यहाँ पे अर्निंग करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 है मेरे दोस्त कि नो बॉडी कैन कंट्रोल द मार्केट, इसको जो है कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। पॉइंट नंबर 7, मैं एक बार सारे पॉइंट रिकैप कर देता हूँ। पॉइंट नंबर 7 है मेरे दोस्त कि यहाँ पे लो ट्रांजेक्शन चार्जेस, बहुत ही कम चार्जेस यहाँ पे लगते हैं। पॉइंट नंबर 8 है मेरे दोस्त कि इट कैन बी ट्रेडेड फ्रॉम एनी वेयर, ये कहीं से भी आप फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हो मेरे दोस्त, चाहे आप पाकिस्तान में हो, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे मलेशिया में हो, चाहे इंडोनेशिया में हो, चाहे जापान में हो, चाहे रशिया में हो, कहीं पर भी हो मेरे दोस्त, ठीक है, कहीं से भी आप इसको ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। भी अपना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है मेरे दोस्त, ठीक है। और यहां पे जो है कोई मतलब यहां पे टाइम डीके नहीं होता, थीटा डीके नहीं होता, जैसे होता है कि यहां पे कोई एक्सपायरी नहीं होती, ये समझो, ठीक है ना। मतलब जो आपने कोई पोजीशन को ओपन कर दिया मेरे दोस्त, वो आप जब तक चाहते हो तब तक उसको आप ओपन करके रख सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। यहां पे टाइम डीके, थीटा डीके, ठीक है, एक्सपायरी वाली यहां पे कोई माथापच्ची नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। भी एक अपने आप में एक प्लस पॉइंट है मेरे दोस्त, ठीक है। और जो है पोजीशन कैन बी केप्ट ऑन ओपन, ठीक है, पोजीशन कैन बी केप्ट ओपन फॉर इनफाइनाइट टाइम, मतलब वही आप जो है कोई पोजीशन को जो है आप लंबे टाइम तक ओपन रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक्सपायरी का झंझट है ही नहीं मेरे दोस्त, ठीक है। तो इस 200 पॉइंट जो मैंने आपके सामने चर्चा किया है मेरे दोस्त, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है मेरे दोस्त। ये चीज़ें आपको पता ही होना चाहिए। देखिए लोग फॉरेक्स में तो आ जाते हैं मेरे दोस्त, ठीक है, लेकिन पता ही नहीं होता कि भाई फॉरेक्स में फायदे क्या है। फॉरेक्स के फायदे आपको पता होने चाहिए मेरे दोस्त, ठीक है। आपको नॉलेज होना चाहिए कि फॉरेक्स में ट्रेड करने का क्या फायदा है और बाकी और जगह ट्रेड करने का क्या नुकसान है मेरे दोस्त। मतलब आपको पता
होना चाहिए, डिफरेंसेस पता होना चाहिए, तब जाकर के ना और मजा आएगा मेरे दोस्त। ठीक है, ये बेस है सारी चीज़ें, आपको ये सारी चीज़ों का नॉलेज होना ही चाहिए मेरे दोस्त। जब तक ये सारी चीज़ें नॉलेज नहीं देगा मेरे दोस्त, तो आपको आगे काम करने में भाई मजा नहीं आएगा। मतलब आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, आप अंदर से मजबूत रहो मेरे दोस्त, ठीक है, आप अंदर से स्ट्रॉन्ग रहो, नॉलेज से भाई एकदम जो है ना भरा रहो, लबालब एकदम भरा रहो, तब फिर मजा आएगा मेरे दोस्त काम करने में। ठीक है, तो इसलिए जो है मैं अभी जो है ये मेरा तीसरा वीडियो है फॉरेस्ट के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि मैं फॉरेस्ट के ऊपर जो है कंप्लीट ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, और ये हमारी तीसरी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा मेरे दोस्त, ठीक है, आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है मेरे दोस्त, तो अपने दोस्तों को जो भी फॉरेस्ट ट्रेडिंग सीख रहे हैं मेरे दोस्त, जो भी ट्रेडिंग सीख रहे हैं, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं मेरे दोस्त, ठीक है, ताकि उनको भी लेटेस्ट नॉलेज, ठीक है, बेहतर से बेहतर जानकारी मिल पाए मेरे दोस्त। ठीक है, बाय द वे थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड। थैंक यू सो मच वंस अगेन मेरे दोस्त, थैंक यू।